भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम है। सवाल पूछकर सत्ता के सामने उन स्थितियों को रखकर मीडिया अपने हक को हासिल करता है और ये बताता है कि आम लोगों को क्या सुविधा मिल रही है और क्या नहीं, और इसके आश्रय देश की सत्ता उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सत्ता और मीडिया का घालमेल होने लगे, जब सत्ता मीडिया का इस्तेमाल करने लगे और मीडिया सत्ता के लिए एक पहिए की तरह हो जाए कि वो सियासत में आगे किस तरह से बढ़ेगा ये तय मीडिया करने लगे, जब मीडिया एक पीआर एजेंसी का काम करने लगे और मीडिया को सत्ता से आगे कुछ सूझे ना, विपक्ष को वो एक विलेन के तौर पर देखने लगे और बताने लगे, तब वही होता है जो भारत की मीडिया के भीतर हो रहा है। भारत का मीडिया किसी भी कारोबारी पर उठे सवालों को लेकर ये नहीं कह रहा है कि विपक्ष के सवालों में कितना दम है या विपक्ष के सवाल कितने जायज़ हैं, बल्कि वो फिर उस कारोबारी के साथ में खड़ा हो जाता है। दरअसल भारत में मीडिया में भी एक कारोबारी ने इतना पैसा लगाया और अलग अलग मीडिया संस्थानों को लेना शुरू किया कि अब मीडिया में काम करने वाले कथित पत्रकार भी खामोश हैं। जी हाँ, बात अडानी की है और अडानी से जुड़े सवालों पर भारत के कथित पत्रकारों के ट्वीट की। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी ने कई बार सत्ता से सवाल करने की कोशिश की और फिर वो पार्टी में भी अकेले पड़ते हुए कभी कभी दिखे, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी रास्ते को बदलने की कोशिश नहीं की। चौकीदार चोर है के नारे के साथ राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे को उठाया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन सवाल उठाना विपक्ष की क्या जिम्मेदारी नहीं है? और फिर इन सवालों पर क्या भारत के मीडिया ने साथ दिया है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि भारत का मीडिया ये कह रहा है और राहुल गांधी को ये बता रहा है कि आपने सावरकर के नाम पर माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन आप चौकीदार चोर है पर माफ़ी मांग चुके हैं। जबकि राहुल गांधी से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चौकीदार चोर है मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों जोड़ा है, तब इस मामले पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम जोड़े जाने पर खेद जताया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। चुनावों के बीच राफेल के मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया था उसका नतीजा सबने देखा था। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर तीन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आई थी और फिर ये सत्ता से बेदखल होने की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली जब बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया। लेकिन पत्रकारिता कर रहे मीडिया के वो तमाम सूरमा उस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि कैसे दल बदल हो गया, कैसे सत्ता बदल दी गई और कैसे अडानी को लेकर सवाल पूछना देश से सवाल पूछना हो गया। ऐसे में अभिषेक उपाध्याय जो लगातार राहुल गांधी से सवाल करने से झिझकते नहीं, लेकिन पीएम मोदी पर सवाल करने से परहेज कर जाते हैं। बीजेपी के नेताओं को लेकर उनके ट्वीट उतने तल्ख और सख्त नहीं होते हैं जितने राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी जो बयान देते हैं उस बयान को लेकर उसकी आलोचना जरूर होती है और इस पर यह कहा जा सकता है कि सत्ता के आश्रय मीडिया अपने आप को एक आशीर्वाद के तौर पर देख रहा है। अभिषेक उपाध्याय के कई ट्वीट लगातार हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी हैं। लोग कह रहे हैं कि दरबारी पत्रकारिता से फुर्सत मिले तो आप पत्रकारिता के जमीर को जिंदा करना। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी नहीं मांगी थी, चोर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोट किया था, इसलिए उन्होंने न्यायालय के सामने गलती मानी थी। अडानी को लेकर राहुल गांधी जब सवाल कर रहे हैं और फिर इस बीच जब केजरीवाल को भी अडानी याद आ रहे हैं विधानसभा के भीतर, तो फिर अभिषेक उपाध्याय पहुंचते हैं और लिखते हैं ट्विटर पर और कहते हैं कि अडानी को लेकर जो केजरीवाल सवाल कर रहे हैं और पीएम मोदी को सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो ये दोनों बयान दिल्ली विधानसभा के भीतर विशेषाधिकार की सुरक्षा के घेरे में दिए जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि उठ रहा है सवाल कि अरुण जेटली से लेकर विक्रम मजीठिया तक से माफ़ी मांग चुके अरविंद केजरीवाल क्या कभी किसी जनसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को दोहरा पाएंगे? आखिर इतना सेफ क्यों प्ले कर रहे हैं? आखिर अभिषेक उपाध्याय को अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में दिया गया बयान गलत लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि यही बयान केजरीवाल खुली सड़कों पर भी दें? दरअसल अडानी और अरुण जेटली को एक समान क्यों मानकर चल रहे हैं अभिषेक उपाध्याय? सवाल यह है कि अडानी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर सरकार जांच से परहेज क्यों कर रही है? और ऐसे में
अगर अरविंद केजरीवाल सवाल कर रहे हैं विधानसभा के भीतर, तब तो ये दस्तावेज बन जाता है। और फिर ये दस्तावेज जब रिकॉर्ड पर है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है? सौरभ शर्मा, एक और गोदी मीडिया के पत्रकार, वो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केजरीवाल के साथ ऐसी दुर्घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक विधानसभा की सुरक्षा के साए में खड़े होकर आसमान में तीर छोड़े जा रहे हैं। क्या मोदी को आसमान बता रहे हैं सौरभ शर्मा, या फिर अडानी के सहारे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी वो आसमान है जिस पर केजरीवाल के छोड़े गए तीर पहुंचेंगे नहीं? सवाल यह है कि आखिर अडानी को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाता है भारत का मीडिया, इतना कमजोर क्यों हो जाता है? पत्रकारिता की धार को तेज करने वाले तमाम सूरमा आखिर अडानी के नाम पर इतने गुमसुम क्यों हो जाते हैं?